बालक उच्चतर माध्यमिक शाला जो कि 60 से 65 वर्षों से मरवाही में संचालित था, जिसका कि सेजस स्कूल के आने के पश्चात उसके अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा है और उसके अस्तित्व को बना रहे यथावत, इस हेतु हम यहाँ पे ज्ञापन देने हुआ है SDM कार्यालय में। कितने वर्षों से संचालित है स्कूल? लगभग 60 से 65 वर्ष। यदि आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? बस हम जन आंदोलन के लिए बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, रोड पे आएंगे और अपने स्कूल के अस्तित्व को हम यथावत रखेंगे ही रखेंगे, उसको कोई नहीं हटा सकता और ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम इसको लेके ही रहेंगे। क्या लगता है, प्रशासन सजग लग रही है? सजग तो नहीं लग रही है, क्योंकि ये चीज़ें पूरे राज्य में, जब सेजस स्कूल आई है, सेजस स्कूल जो है हमारी उपलब्धि है। अगर सेजस स्कूल हमारे छोटे से ग्राम पंचायत में, जिला में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु हम बालक स्कूल का बलिदान देकर के इसका स्वागत नहीं कर सकते। आज इंग्लिश माध्यम की भी आवश्यकता है, परंतु ये गांव है, यहाँ के बच्चे कई ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है हर पालक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाए, उन बच्चों को क्या होगा। फिर सेजस में एक लिमिटेड सीट होती है, 50 सीट कर दी गई है। पहले की स्कूलों में हम एक सेक्शन, 4-5 सेक्शन हुआ करते थे, ABCD, कई बच्चे एक क्लास में कई बच्चे पढ़ा करते थे, अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे? यही सारी समस्याएं हैं जिसके लिए हमें आवश्यक है कि हम बालक स्कूल के हर हालत में उसके अस्तित्व को हम बरकरार रखें और शासन से हमारी अपील मांग रहे हैं। SDM साहब का इस विषय पे क्या कहना है? उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो इसका पूरा यथावत बना रखने के लिए उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे और इसको संचालित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसकी कोई निश्चित समय अवधि तय की गई है? हम अब देखते हैं, क्योंकि अब एक महीने अगर नहीं करते हैं, एक महीने का समय देते हैं, अगर नहीं करते हैं तो जन आंदोलन है, तो हम यहाँ से जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।